नमस्कार फ्रेंड्स, सात्विक रसोई में आपका हार्दिक स्वागत है। वाह रे गर्मी, इस समर्स की सबसे हॉट दिन आज का दिन है, तो सोचा क्यों ना कुछ कूल करा जाए। उसके लिए हम बना रहे हैं मैंगो ब्रिक आइसक्रीम। आप एंड तक साथ में बने रहिएगा, बिल्कुल एकदम आइसक्रीम पार्लर की जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट बनेगी, सुपर सॉफ्ट बनेगी। तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिलाए हैं वो देखने के लिए आप साथ में बने रहें। तो चलिए इसको अब बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंगो आइसक्रीम है तो मैंगो तो लेंगे ही, तो उसके लिए मैंने लिया है बनारसी लंगड़ा। और दूध लेंगे, ये फुल फैट क्रीम दूध है, जो कि कप आपने देखा, एक कप में हम पूरी आइसक्रीम बनाएंगे। ये बॉईल हो चुका है, उसके बाद नॉर्मल टेम्परेचर पे इसको ठंडा कर लिया, क्योंकि हमें स्लरी बनानी है। स्लरी हम सबसे पहले मिल्क पाउडर की बनाएंगे। इसके लिए एक टेबल स्पून मिल्क पाउडर लिया था, उसमें दो टेबल स्पून हमने दूध मिलाया है, गुनगुना दूध है, और इसको स्लरी बना के तैयार कर लेंगे। इसी तरह से हम एक और स्लरी बनाएंगे, ये दूसरी हमारी कॉर्नफ्लोर की, ये भी एक टेबल स्पून लिया है, और इसमें दो टेबल स्पून हम मिलाएंगे दूध। लम्स फ्री इसको बनाकर रख लेंगे, हमारा दूध बॉयल हो चुका था। इसमें 3 से 4 टेबल स्पून मैंने चीनी मिलाई है, आप स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस स्टेज पर हमने मिला दिया है मिल्क पाउडर की स्लरी, इसको मिलाकर स्टर करेंगे और इसको उबाल आने तक इसको पकाएंगे। अब ये उबाल आ चुका है, अब हमें इसमें दूसरी स्लरी मिलानी होगी, क्योंकि उससे एकदम गाढ़ा पड़ने लगेगा। तो पहले इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए मिला रहे हैं, यदि आपको नहीं पसंद हो तो आप नहीं मिलाएं, पर आम के साथ हमेशा इलायची का टेस्ट बहुत ही इन्हेंस हो जाता है। ये स्लरी मिलाई है हमने कॉर्नफ्लोर वाली, इसको थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाएं, नहीं तो एक साथ गाढ़ा पड़ने लगेगा और लम्स आने लगेंगे, ये ध्यान में रखना होगा। थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे, और मिलाने के बाद इसे उबाल आने तक ही उबालना है। फिर उसके बाद हम गैस बंद करके इसको ठंडा कर लेंगे, ठंडा करने के लिए अलग रख देंगे। अब ये हमारा हो चुका है, अब हम मैंगो पल्प निकाल लेंगे, चाहे जैसे आप काट कर छिलका उतार कर कैसे भी बनाएं। इसका हमें ब्लेंड करना होगा और स्मूथ पेस्ट बनाना होगा। तो ये हमारा हो चुका है, इसमें 1/4 चम्मच इलायची पाउडर मिला देंगे। ये हमारा ठंडा हो चुका है और ये भी हमने ब्लेंड कर लिया था, पेस्ट स्मूथ पेस्ट हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब इसमें हम मिलाएंगे, ये 2 टेबल स्पून मैंने फ्रेश मलाई ली थी, उसकी क्रीम बनाकर उसको मिलाइए, उससे बहुत ही सुपर सॉफ्ट हमारी बनेगी, क्योंकि हम एगलेस बना रहे हैं तो एग नहीं होता है तो सॉफ्ट होना मुश्किल होता है, ये आपकी सॉफ्ट बनेगी। और ये हमारा जो आइसक्रीम का हमने तैयार करा था गाढ़ा दूध, वो भी मिला दिया है। अब इस सबको भी अच्छी तरह से स्मूथ पेस्ट बनाने तक ब्लेंड कर लेंगे। ये हमारा देखिए बनके तैयार हो गया है, और इसका कलर आप देख रहे हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक कलर है, कोई कलर नहीं मिला है आम के कलर से, बहुत ही बढ़िया सुंदर सा कलर आया है। अब मैं पिस्ता वाली बना रही हूँ, तो इसके लिए हम मिलाएंगे इसमें पिस्ता, 1 टेबल स्पून में पिस्ता इसमें मिला रही हूँ, इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। और अब जिसमें हमें ये फ्रीज करनी होगी उस मोल्ड को ले लेंगे, मैंने ये प्लास्टिक वाला लिया है, इसमें एक लेयर पिस्ते की लगा देंगे। और अब इसके बाद हम अपना ये स्मूथ पेस्ट इसमें मिला देंगे, उसके बाद इसके ऊपर फिर एक लेयर पिस्ते की लगा देंगे, और इसे अब हमारे फ्रिज करने के लिए ये तैयार हो गई, हमें इसको डीप फ्रिज करना होगा। इसमें ये क्रिस्टल्स नहीं आए, आइस वाले क्रिस्टल्स अधिकतर आ जाते हैं, नहीं आए उसके लिए एक टिप यह है कि इस पर इस तरह से फॉइल पेपर से उसको अच्छी तरह से कवर कर दें, तो वो क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। और ये आप बनने के बाद देखिएगा, एकदम क्रिस्टल नहीं रहेगा, बिल्कुल सुपर सॉफ्ट बनेगी। ये हमारी तैयार है, 6 से 8 घंटे के लिए हम डीप फ्रिज करेंगे इसको। ये मैंने 8 घंटे बाद निकाली है, क्योंकि आज गर्मी बहुत है, आप देख रहे हैं ट्रे में भी बर्फ़ लेनी पड़ी है, नहीं लेते तो सारी मेल्ट हो जाती हमारी, और दूध और आम रह जाता केवल आइसक्रीम की जगह, इसलिए वो आइसक्रीम पर रखा है। एकदम टाइट हमारी बनके तैयार हो गई है। अब ब्रिक निकालने के लिए चारों तरफ से इसको लूज़ कर लेंगे, और फिर जितनी बड़ी ब्रिक आपको निकालनी हो निकाल लें और उसको सर्व कर दें। अब ये प्लेट में सर्व करेंगे ब्रिक निकाल कर, और इसको दूसरे तरह से भी स्कूप से भी कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी ब्रिक नहीं खाना चाहे तो आप स्कूप भी निकाल कर सर्व कर सकते हैं, 1 या 2 स्कूप। ये हमारी आइसक्रीम सर्विंग के लिए तैयार हो चुकी है, इसको भी हम पिस्ते से गार्निश कर देंगे। तो ये हमारी बनके तैयार है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप भी ज़रूर बनाएं और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप देखिए देखिए काटने के बाद कितनी सॉफ्ट है, एकदम से इसी तरह स्मूथली कट गई है, इतनी सुपर सॉफ्ट बनी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें,
चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को हिट करेंगे तो मेरे वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। जल्दी ही नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। घर की बनी आइसक्रीम खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।